अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के सैन बर्नार्डिगो में एक सोशल सर्विस एजेंसी में 3 बंदूकधारियों ने फायरिंग की, 14 लोगों की मौत। आईएसआईएस ने अपना मैनिफेस्टो दुनिया के सामने रखा है, ब्लैक फ्लैग्स ऑफ इस्लामिक स्टेट में धमकी दी गई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि यदि रूसी दावे सही साबित होते हैं तो वो पद छोड़ देंगे। अफ्रीकी देश कैमरून ने घोषणा की है कि उसने नाइजीरियाई चरमपंथी संगठन बोको हराम के कब्जे से 900 बंधक रिहा कराए। पाकिस्तान ने पेशावर के एक सैनिक स्कूल पर किए गए हमले में शामिल 4 तालिबान आतंकवादियों को फांसी पर लटका दिया है। पाकिस्तान की आतंक निरोधी अदालत में जकीर रहमान लखवी सहित मुंबई आतंकी हमले के 7 आरोपियों के मुकदमे में बुधवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर राम मंदिर का राग अलापा है। नेपाल में राजनीतिक गतिरोध खत्म न होने के संकेतों के बीच भारत ने अपने पड़ोसी से कहा है कि वो जल्द से जल्द हालात को सामान्य करे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अगले हफ्ते पाकिस्तान की यात्रा कर सकती हैं। स्वराज 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस ने काठमांडू में हुई दक्षेत बैठक में मोदी नवाज की गुप्त मुलाकात को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। केरल में हुए सोलर पैनल घोटाला केस के मुख्य आरोपी ने न्यायिक आयोग के सामने राज्य के सीएम उमान चांडी और उनके कैबिनेट के 2 मंत्रियों पर संगीन आरोप लगाए। भारत के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश तीर्थ सिंह ठाकुर ने कहा कि लोगों का मानना है कि न्यायाधीशों की बहाली न्यायाधीशों के द्वारा ही की जानी चाहिए। कुशीनगर का एक गांव इन दिनों पुलिस की कार्रवाई से वीरान पड़ा हुआ। मामला थाना तरिया सुजान के बिरवट कोनवलिया गांव का। कन्नौज जिले के सदर कोतवाली के चांदापुर गांव में सत्ताधारी नेता ने अपनी सत्ता की अनक दिखाकर ग्रामीणों से वोट मंगवाने के लिए फायरिंग की। सीतापुर में एक विकलांग लड़की ने अपने ही प्रेमी पर रेप का आरोप लगाया। पीड़ित की माने तो उसका प्रेमी उसे शादी का झांसा देकर रेप करता रहा। कन्नौज में ओलावृष्टि और भीषण बारिश से क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की आलू और सरसों के खेतों में खड़ी फसल तबाह हो गई। अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स मरीजों का दर्द दरकिनार कर अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिन से हड़ताल पर। बीसीसीआई ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज से शुरू हो रहे 4th टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरू होने से पहले वीरेंद्र सहवाग को सम्मानित करेगा। भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली के लिए आज का दिन ऐतिहासिक यादगार होने जा रहा है जब वे अपने घरेलू मैदान पर कप्तानी करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष तेज गेंदबाज डेल स्टेन के लिए भारत दौरे का अंत निराशाजनक रहा। स्टेन भारत के खिलाफ 4th और अंतिम टेस्ट से भी बाहर हो गए। सुपरस्टार रजनीकांत ने भारी बारिश से जूझ रहे तमिलनाडु को मदद के तौर पर 10 लाख रुपए दिए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में पूरी 88 गलतियां हुई थी, इनमें से कुछ गलतियां तो आमतौर पर बहुत सी फिल्मों में हो जाया करती हैं। यूट्यूब पर अपलोड किए गए एक वीडियो के जरिए इसका खुलासा हुआ। सूरज बड़जात्या की फिल्म प्रेम रतन धन पायो अभी भी सिनेमाघरों पर टिकी है। फिल्म ने वर्ल्ड लेवल पर 400 करोड़ की कमाई की है। नमस्ते इंग्लैंड 2016 में ही रिलीज हो रही है। यह उनकी 2016 की 4th फिल्म हो सकती है। अक्षय कुमार की नमस्ते इंग्लैंड 9 सितंबर को रिलीज हो सकती है।